स्टॉक जर्नी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं ऊर्जा ग्लोबल के बारे में। यहां पर हम डिस्कस करेंगे क्या होने वाले हैं इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स, क्या होंगे टारगेट्स एंड क्या स्ट्रेटजी हम लेकर चलें 26 अप्रैल के लिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों, बात करते हैं जैसे ही स्टॉक आज के दिन ओपन हुआ था। ये देखिए 15 मिनट चार्ट हमने लगाया, लगातार गिरावट का सिलसिला स्टॉक ने बनाकर दिखाया है। 16.80 रुपये पर ट्रेड करता हुआ स्टॉक नज़र आ रहा है। डेली चार्ट बेसिस पर भी आप देख सकते हैं स्टॉक ने एक हाई बनाया करीबन 20.40 रुपये का और यहां से ही गिरावट का सिलसिला जारी है। अगर इसी प्रकार से गिरावट जारी रहती है तो आप चाहें तो नीचे की तरफ 16 रुपये का एक सपोर्ट लेकर चल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 16 रुपीज़ का एक सपोर्ट लेकर चलें। अगर इसको भी तोड़कर स्टॉक और नीचे जाता है तो देखिए 15 रुपये की तरफ गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। बात करें टारगेट्स की, यहाँ से अगर अच्छी खासी तेज़ी ऊपर की तरफ देखने को मिलती है तो नेक्स्ट टारगेट जल्द ही 18 रुपीज़ का अचीव करता हुआ स्टॉक नज़र आएगा। तो ऊपर की तरफ 18 रुपये का टारगेट लेकर चल सकते हैं ऊर्जा ग्लोबल में। तो ये होने वाले हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स, इनका आपको ध्यान रखना है। फ्रेश बाइंग को यहाँ पर अवॉइड करें, जैसे ही बाइंग का मौका बनता है हम एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो यही बताने के लिए हमने वीडियो बनाई थी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।